नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मीन राशि वालों का आने वाला 3 दिन यानी कि 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी का दिन कैसा बीतेगा। आने वाले 3 दिनों में मीन राशि वालों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें। इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले समय का अनोखा टोटका है, जिस टोटके को अगर आप आजमाते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें। मित्रों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आने वाले समय में अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका आने वाला समय सामान्य रहेगा, न ज़्यादा बेहतर न ज़्यादा खराब। दोस्तों, आप में से जो भी जातक, जो भी दर्शक प्रेम संबंध में हैं, तो आने वाले समय में अपने प्रेम संबंध में आप किसी भी बाहरी इंसान को इंटरफेयर करने से रोकने का प्रयास करें, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में अगर आपके प्रेम संबंध में कोई भी बाहरी इंसान इंटरफेयर करता है, दखल अंदाजी करता है, तो आपके प्रेम संबंध में परेशानी का सामना आपको बहुत ज़्यादा करना होगा। वैसे अगर आपके कामकाज, आपके व्यापार व्यवसाय की बात करें तो आने वाले समय में अपने व्यापार, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में समय का दुरुपयोग करने से आपको बचना होगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप समय का दुरुपयोग करते हैं, अगर आप अपने कीमती समय को बर्बाद करते हैं, तो आपका कामकाज, आपका व्यापार, आपका व्यवसाय बहुत ज़्यादा खराब होगा। लेकिन आप में से जो भी जातक विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो आने वाले 3 दिनों में आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपके समय का साथ, आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने में भगवान शनि देव का साथ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इस कारण से आने वाले 3 दिनों में आपके पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। तो यही था आपके आने वाले 3 दिनों का राशि फल। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों में किस टोटके को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। दोस्तों, टोटका बहुत ही ज़्यादा सामान्य है। आने वाले 3 दिनों में अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए आपको हनुमान जी बजरंग बली को खुश करना होगा। अपने पूजा पाठ से, अपने नियम, अपने निष्ठा से आपको हनुमान जी को खुश करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो के नीचे जय बजरंग बली कमेंट कर दें, इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद। जय सिया राम।